स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी हर जिले में एक एक वैकेंसी है, तो इसकी जानकारी मैं आपको लेकर आया हूँ। तो अगर आप मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी है इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें यहाँ से जो नेशनल हेल्थ मिशन एमपी मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी है ये आज 24 आप यहाँ देख सकते हैं नौकरी प्रकाशित होने की तिथि जो है 24/4/2020 और 27/4/2020 तक इसकी जो है लास्ट डेट है। तो आप 3 दिन में आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद जो इसकी आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आप एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर साइंस से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास अगर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें पदों की संख्या 39 है और इसमें जो पोस्ट है वो जिला डाटा प्रबंधक यानी डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की जो वैकेंसी है। इसके बाद आपको जो है इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 25,000 रुपये पेमेंट है। अब हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ से जो है ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप जो है ये PDF यहाँ से आप इस पर जाने के बाद आप ये ऑप्शन है जो इस पे 15/3/2020 लिखा हुआ है डेट, तो इसको ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन को खोलने के बाद यहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आपकी PDF है वो PDF भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, रूल बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो रूल बुक यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, आपको PDF डाउनलोड करना है और PDF को पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। इसमें पूरी जानकारी दी गई है और इसमें आपको जो है वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और इसके अलावा आप इंजीनियरिंग है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका BE कम्प्लीट है तो आपको आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आपके 21 से 45 साल के बीच में होना अनिवार्य है। इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें लोकेशन वैकेंसी की, तो लोकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जिला लगभग 23 जिला यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें एक एक वैकेंसी है। और इसके अलावा भोपाल, इंदौर और उज्जैन और खरगोन में जो है 16 वैकेंसी अलग से दी गई हैं। तो इनकी जो वैकेंसी की डिटेल है वो आप यहां से देख सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप यहां से जो वेबसाइट है इस पर आप जाने के बाद आपको यहां पे जो ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन है तो इसको आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां से आपको आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से आपका लॉगिन का जो है ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पे जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन है इसको आपको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो है टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस्टर और मिसेज, यानी आप मेल हैं तो आपको, यानी आप पुरुष हैं तो MR का इस्तेमाल करना है और यदि आप फीमेल हैं तो MS का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी होगी और यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, तो कोई भी पासवर्ड आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है, यानी जो कैप्चा है इसको आपको डालना है। तो यहाँ से इसको डालने के बाद आपको सिंग इन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंग इन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो इस प्रकार पहुंच जाती है। अब यहाँ पे आपको पहुंचने पर फिर से आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद जो है आपका जो जॉब डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं। नाम देखने के बाद यहाँ पे जो है पूरी डिटेल दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ से आवेदन करें के यानी आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आपने जो भरा है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना जन्मतिथि सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम यानी फादर्स नेम डालना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, कोई अदर मोबाइल नंबर हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। तो एड्रेस डालने के लिए आपको अपने गांव का नाम, जिला का नाम और राज्य का नाम और पिन कोड जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको जिला और राज्य यानी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं सागर, तो SAGR सागर, और इसमें साथ में आपको MP दर्शाना है। तो इस टाइप से आपको पता डालना है। यहाँ पे आपको अपनी स्थिति दर्शानी है विवाहक की। तो विवाहक में अगर आपका विवाह हो गया है तो आपको मैरिड सिलेक्ट करना है, नहीं हुआ है तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्थायी पता यानी पूरा पता डालना है जो कि आपका पता है। तो आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना यहाँ पर पता डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है अपना पिन कोड यानी जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो डालना है। अब ये दोनों पता आपके अगर वर्तमान और स्थायी पता अगर सेम है यानी एक से हैं तो आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना निवासी राज्य चुनना है। तो आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना वर्ग यानी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपनी 10th की डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो इस पे जैसे ही आप यहाँ मतलब जो है क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल भरनी है। 10th की यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सब्जेक्ट में जो है 10th में आल लिखना है, आल लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी स्कूल का नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपना जो है फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आपने किया है या तो आप यहाँ फुल टाइम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कब से कब तक आपने पढ़ाई की तो आपको वो यहाँ पे चुनना है, किस डेट में आपका एडमिशन हुआ तो और किस डेट में आपने कंप्लीट किया तो अंक सूची पे लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज है GP मतलब ग्रेड ग्रेड में आपका जो है मार्क्स है तो परसेंटेज में है तो आपको यहाँ से परसेंटेज डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मार्कशीट जो है स्कैन करके लगानी है और ऐड बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपकी जो है मार्कशीट यहाँ ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल करनी है और मार्कशीट जो है स्कैन करनी है। तो स्कैन करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ पे सेम डिटेल भरनी है और स्कैन करके आपको जो है ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जितनी भी आप मार्कशीट, तीन जो मार्कशीट हैं वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगी। और दिखने के बाद अगर आप कोई और मार्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस का ऑप्शन है तो एक्सपीरियंस आपको डालना है। एक्सपीरियंस के बाद आपको जो है लोकेशन प्रोफेशन यानी आपको जो है वैकेंसी सेलेक्ट करनी है, किस जिले में आप वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो इतनी प्रोसेस आपको करनी है। इसकी जो आगे की प्रोसेस है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप जो मार्कशीट है वो अपनी, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस दर्शाना है। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस दर्शा सकते हैं। एक्सपीरियंस दर्शाने के बाद आपको जो है यहाँ पे जितने भी मंथ का आप डालेंगे वो यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें और इस छोड़ने के बाद आप आगे जा सकते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वैकेंसी सेलेक्ट करनी होगी, कहाँ आप जो है आवेदन करना चाहते। तो सबसे पहले मैं सागर, इसके बाद जो आप बारी बारी से हर पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जो भी सेलेक्ट करना चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे पूरे आपको जो है ऑप्शन ऐड करने होंगे। ऐड तो जल्दी से हम जो है सारे जो ऐड कर लेते हैं। आपको सारे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो जैसे ही आप यहां से पूरे जो है अपने जिला सेलेक्ट कर लेते हैं
तो जिला सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से हम सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फोटो दर्शाना है, तो फोटो को आप यहाँ से डाल सकते हैं यहाँ के। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर डाल देना है। सिग्नेचर डालने के बाद जो है आपको यहाँ से मैं बता दूँ, आपका 100 KB से कम का फोटो होना अनिवार्य है, 100 KB से कम का आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोसेस जो है देखिए। इसके बाद आप अगर अपना जो है फॉर्म चेक करना चाहें तो प्राइवेट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन पर टिक करने के बाद कंफर्म एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसको जो प्रिंट है वो निकाल के आपको रख लेना है। इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।